खबर है कासगंज से, अपनी ही पार्टी को हराएंगे भाजपा के नेता, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जनपद कासगंज में जिला पंचायत की टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में ही अंतर्कलह दिखाई दे रहा है। दरअसल पहले से ही मेहनत कर रही पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा दिखाई दे रही है और वहीं पार्टी से नहीं बल्कि निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग भाजपा के सक्रिय सदस्य नहीं हैं उनको भी टिकट दे डाला है, चाहे वे जीतने की स्थिति में हों या नहीं। मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेता वे हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष अनुपम यादव ने कहा कि मैं 5 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूं और पार्टी के लिए 20 वर्ष से काम कर रहा हूं, लेकिन हमें टिकट नहीं दिया गया। हम चुनाव लड़ेंगे और भाजपा व सपा को हराकर अपनी जीत दर्ज कराएंगे। मैं आपको बता दूं कि पार्टी ने डिसीजन लिया है, ऐसे व्यक्ति के साथ डिसीजन लिया है जो कभी भी पार्टी का सदस्य नहीं रहा, और मैं लगातार 30 वर्षों से पार्टी की सेवा पूर्ण रूप से पार्टी को समर्पित रह के करता आया हूँ। पार्टी ने, पार्टी का डिसीजन है ऐसे व्यक्ति के साथ जो कभी पार्टी का सदस्य नहीं रहा, तो मैंने भी डिसीजन लिया है कि मैं भी निर्दलीय चुनाव उसी वार्ड से लड़ूंगा और सपा और भाजपा दोनों ही प्रत्याशियों को मात देकर, क्योंकि पब्लिक मेरे साथ है, पब्लिक चिल्ला रही है, वो कह रही है बार बार कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। क्या दिखता भाजपा में गुटबाजी दिख रही है? इस सब चीज़ों को लेकर तो मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, ये तो समय बताएगा। जी आप कब से तैयारी कर रहे थे जिला पंचायत? मुझे 5 साल से ऊपर हो गए, लगातार मैंने घर घर जाकर संपर्क किया है और पूरी तरह से तैयारी की है और चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। आपको टिकट नहीं मिली है, फिर वो रणनीति क्या आपने? पब्लिक मेरे साथ है, पूरी मेरे पूरे क्षेत्र की पब्लिक मेरे साथ है और मैं पूर्ण तैयारी के साथ चुनाव लड़ूंगा और सपा और भाजपा दोनों ही प्रत्याशियों को मात देकर विजय हासिल करके आऊँगा।